हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियोस में हम सिलोजिज्म्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास चैप्टर जो लेके आए थे, एक पार्ट था जो कि पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट्स को पूरा समझा रहा था, वो डिस्कस किए थे। वैसे आज का सेशन में हम और एक वैसे ही इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा है सम नॉट कंडीशंस। तो आशा करता हूँ पिछला वीडियो में सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा और ये सेशन में भी आपका कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर रहेगा। तो चलते हैं वीडियोस में। कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो से चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं हमारे चैनल रीजनिंग अड्डा पे। मैं गोपाल बेहरा आपके पास प्रेजेंट करता हूँ सम नॉट कंडीशंस ऑफ सिलोजिज्म। तो अगर देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था हमारा कि कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था पहला ही वीडियो में सिलोजिज्म्स का। अगर चाहें तो मैं आपको लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो जाके फिर से आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो मेरा बेसिक रिलेशन तीन बताया था, एक था सम रिलेशन, दूसरा था ऑल, तीसरा था नो रिलेशन। यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे थे सम वेन डायग्राम्स कैसे होता है। जनरली वेन डायग्राम को यूज़ करके आंसर निकाल रहे थे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सम के लिए जैसे कर रहे थे यहाँ पे सम ए आर बी, इसका मतलब क्या हुआ था, मुझे चाहे जैसे भी डायग्राम कंसीडर करें वहाँ पे कुछ ए बी होना चाहिए था। जैसे कि ये वाला डायग्राम मैं कंसीडर करता हूँ तो सम ए आर बी होता है। अगर मान लीजिए ऐसे डायग्राम करता था तो यहाँ पे भी मैं सम ए आर बी यहाँ पे आता था, तो ये भी डायग्राम चलता था। मतलब यहाँ पे कुछ भी डायग्राम चलता था। जैसे कि मैं और एक बात बता दूँ, ये ए हो के ये भी बी हो सकता था और ए और बी दोनों को एक में ले सकता था सम ए आर बी के लिए। वैसे ऑल ए आर बी के लिए भी आपको डायग्राम पता था। मान लीजिए ऑल ए आर बी में ऐसे डायग्राम ले सकता था और ए और बी को एक ही कंसिडर करके मैं आंसर बता रहा था। और नो के लिए भी मैं आपके लिए डायग्राम ड्रॉ किया था, दैट इज नो ए इज बी, दैट मीन्स ए एंड बी के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं रहेगा, ये मैं आपको बताया था। वैसे आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि सम नॉट रिलेशन, जो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं अभी इसको अगर देखेंगे तो, ठीक है, अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सम ए आर नॉट बी, इसको मुझे समझना है। समझना है मतलब क्या करना है, यहाँ पे मुझे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे डायग्राम सारा का सारा ड्रॉ किया था, अब वैसे ही यहाँ पे मुझे सम नॉट रिलेशन के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा। मतलब चाहे आप कैसे भी डायग्राम ड्रॉ करें चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ ए ऐसा होना चाहिए जो कि बी के अंदर नहीं आएगा। ऐसे अगर यहाँ पे बेसिक डायग्राम देखा जाए तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं सम ए आर नॉट बी, मतलब इसको अगर ए देते हैं इसको अगर बी देते हैं तो ए सम ए आर नॉट बी, दिस पार्ट ऑफ ए आर नॉट बी आप बोल सकते हैं। अगर आप और एक डायग्राम कंसीडर कर रहे हैं तो अगर ये डायग्राम कंसीडर करते हैं तो ए और बी को अलग अलग रखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है, अगर ये वाला पार्ट कंसीडर करूँगा तो बी को कंसीडर नहीं कर पाएंगे, अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट कंसीडर करता हूँ तभी ये बी के अंदर नहीं गया। तो इसको यहाँ से भी मैं डिराइव कर सकता हूँ दैट सम ए आर नॉट बी, यहाँ पे भी मैं कंसीडर करता हूँ सम ए आर नॉट बी, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे पता चला क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा ए है जो कि बी नहीं होगा, ठीक, क्लियर है। तो ये समझने का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बेसिकली आपका कॉन्क्लूजन साइड में दिया रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस के पास, उसके साथ साथ पहले कुछ एग्जांपल्स, कुछ रिलेशन को लेके एग्जांपल बताऊंगा, उसके साथ मैं क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं पहला एग्जांपल। अगर मैं डेफिनेट केस को लेके बताता हूँ तो आपका कैसे आ सकता है, मान लीजिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स, तो आप डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स, क्लियर, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ये वाला पार्ट जो कि ट्रेन का कार नहीं होगा। और अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तब यहाँ पे क्या करेंगे, सम ट्रेन्स आर कार्स मुझे चेक करना है कंक्लूजन, मैं इंडिविजुअली एक एक करके चेक कर रहा हूँ, किसी के साथ किसी को लिंक नहीं कर रहा हूँ, ओके। जब सम ट्रेन्स आर कार्स दिया है, यहाँ पे सम ट्रेन्स आर कार्स बन सकता है, लेकिन यहाँ पे सम ट्रेन्स आर कार बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। तो एक बार गलत हुआ तो मैं मतलब क्या बोलता हूँ, ये गलत, क्लियर। उसके बाद सम कार्स आर ट्रेन्स, यहाँ पे सम कार्स आर ट्रेन्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा, तो ये दूसरा कंक्लूजन भी गलत आ रहा है। थोड़ा ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, डेफिनेट केस में क्या होगा और आपका पॉसिबिलिटी केस में क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद नो ट्रेन इज कार, यहाँ पे अगर देखते हैं तो नो ट्रेन इज कार सही है, लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो नो ट्रेन इज कार गलत हो जाएगा, क्लियर।
उसके बाद नो कार इज ट्रेन, यहाँ पे नो कार इज ट्रेन सही है, लेकिन यहाँ पे नो कार इज ट्रेन गलत हो जाएगा। सम कार्स आर नॉट ट्रेन, सम कार्स आर नॉट ट्रेन, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ करूँ, यहाँ पे दिया था कि सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स, तो ऐसे भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स, जो कि ये वाला पार्ट आपका रहेगा, सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स। तो यहाँ पे सम कार्स आर नॉट ट्रेन्स, यहाँ पे क्या हुआ, गलत हुआ कि नहीं, तो ये वाला भी गलत है। इसका मतलब अगर यहाँ पे पहला ये रिलेशन को देख के वेन डायग्राम को देखे, तो और एक डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ सम ट्रेन्स, सॉरी सम ए आर नॉट बी, अगर ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका बी के अंदर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे ए अगर मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए, तो ए का ये वाला पार्ट आपका बी के अंदर नहीं आएगा, तो इसको भी आप सम ए आर नॉट बी ले सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मैं क्या क्यों सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स ये कॉन्सिडर किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कार आते हैं क्या जो कि ट्रेन नहीं होगा, ना, यहाँ पे तो सारा का सारा कार ट्रेन के अंदर है, तो ये भी आपका गलत हो रहा है। तो इसका मतलब ये डेफिनेट कंक्लूजन अगर कुछ दिया रहता है, तो यहाँ पे ज्यादातर गलत होने का चांसेस ज्यादा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि सम नॉट के ऊपर पूछता है, ये है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के ऊपर आपको बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर से देखते हैं, सम मोबाइल्स आर नॉट लैपटॉप्स, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सम मोबाइल्स आर नॉट लैपटॉप्स, यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, या फिर ऐसे कर सकता हूँ सम मोबाइल्स आर नॉट लैपटॉप्स, और ऐसे भी कर सकता हूँ सम मोबाइल्स आर नॉट लैपटॉप्स, ठीक है। अगर यहाँ पे सम लैपटॉप्स बीइंग मोबाइल्स इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब मैं आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में, कि पॉसिबिलिटी का मतलब आपको एक बार सिर्फ चेक करना है कि ये एक बार आने का चांसेस है क्या। अगर कहीं पे भी, जैसे कि डेफिनेट केसेस में बताया था कि एक बार कहीं पे गलत होता है तो आपका गलत होता है, वैसे ही पॉसिबिलिटीज में आपको मैं क्या बताया था, आपको सिर्फ चेक करना है एक बार कहीं पे गलत, एक बार कहीं पे सही आ जाता है। अगर एक बार सही आ जाता है तो आपको वो क्या कंसिडर करना है, सही कंसिडर करना है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखते हैं सम लैपटॉप बीइंग मोबाइल्स से पॉसिबिलिटी, यहाँ पे सम लैपटॉप्स बीइंग मोबाइल्स होता है कि नहीं, यहाँ पे होता है, एक बार सही मतलब ये भी सही आ रहा है। क्लियर, ओके। अगर दूसरा कंक्लूजन चेक करेंगे, तो सम मोबाइल्स बीइंग, सॉरी सम मोबाइल्स यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सम मोबाइल्स बीइंग लैपटॉप्स होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख लिया हूँ, सम मोबाइल्स बीइंग लैपटॉप्स, क्लियर, ओके। सम मोबाइल्स बीइंग लैपटॉप्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे सम मोबाइल्स बीइंग लैपटॉप्स होता है, ये भी चलेगा, सही है। नो लैपटॉप बीइंग मोबाइल्स इज अ पॉसिबिलिटी, नो लैपटॉप में बीइंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है। तो नो मोबाइल बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। नो लैपटॉप बीइंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी सही है, नो मोबाइल बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। उसके बाद अगर देखता हूँ ऑल लैपटॉप बीइंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे ऑल लैपटॉप बीइंग मोबाइल होता है कि नहीं होता है, ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे होता है ऑल लैपटॉप बीइंग मोबाइल्स, ये चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे दिया हुआ है ऑल मोबाइल बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये वाला पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या, सम मोबाइल्स आर नॉट लैपटॉप, मतलब ऐसा कुछ मोबाइल रहेगा जो कि लैपटॉप के अंदर नहीं आएगा। अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसे कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे मोबाइल, यहाँ पे लैपटॉप, तो यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा मोबाइल लैपटॉप के अंदर आ जाता है, जो कि मेरा ये कंडीशन गलत होता है, ये स्टेटमेंट के जो कंडीशन दिया हो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए ये डायग्राम मैं नहीं ले सकता हूँ। अगर ये डायग्राम नहीं ले सकता हूँ, बाकी का जो तीनों डायग्राम में, ये तीनों डायग्राम में ये सही होता है क्या, ऑल मोबाइल्स बीइंग लैपटॉप, यहाँ पे सारा का सारा मोबाइल लैपटॉप है क्या, नहीं है। यहाँ पे सारा का सारा मोबाइल लैपटॉप है क्या, नहीं है। यहाँ पे सारा का सारा मोबाइल बीइंग लैपटॉप है क्या, नहीं है। अगर नहीं है, कहीं पे भी आने का चांसेस नहीं है, मतलब ये वाला गलत हुआ। इसका मतलब पॉसिबिलिटीज में इसको छोड़ के, अभी लास्ट वन को छोड़ के, बाकी सारा का सारा सही आ रहा है। क्लियर, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप समझ पाएं, बहुत इजीली मैं एलाबोरेट किया हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को पॉज करके फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। ये वैसे ये जो पीपीटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीपीटी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो इसको रेफर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट मैं अभी क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस को लेकर एनालाइज करूंगा, आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, सिर्फ 2 से 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, मतलब क्लियरली समझ पाएंगे। एक बार अगर ये आपको समझ में आ गया, तो सम नॉट का कुछ भी आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जिंदगी भर के लिए आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिए ना, ओके। सम डॉग्स आर कैट्स, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ सम डॉग्स आर कैट्स, तो सही है, सम डॉग्स आर कैट्स यहाँ पे लिया हूँ। उसके बाद सम कैट्स आर नॉट रेट्स, सम कैट्स आर नॉट रेट्स, ऐसे मैं ले सकता हूँ,
ये वाला केट जो कि रेड के अंदर नहीं आएगा, या फिर आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं सम डॉग्स आर कैट्स, उसके बाद क्या सम कैट्स आर नॉट रेड्स, मतलब ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, उसके बाद और भी ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं सम डॉग्स आर कैट्स और सम कैट्स आर नॉट रेड्स, आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अगर ये देखा जाए तो सम डॉग्स आर रेड्स, सम डॉग्स आर रेड्स यहाँ पे होता है क्या? नहीं, यहाँ पे अगर नहीं होता है, एक बार गलत हुआ तो गलत, क्योंकि ये एक डेफिनाइट कंक्लूजन दिया हुआ है। अगर ये देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, तो ऑल डॉग बींग रेड इज ए पॉसिबिलिटी, यहाँ पे ऑल डॉग बींग रेड इज ए पॉसिबिलिटी होता है, हो पाएगा क्या? हाँ, अगर आप देखते हैं सर, बोलेंगे सर हम मान लीजिए ऐसे अगर डायग्राम करेंगे, यहाँ पे रेड ले लेंगे, यहाँ पे क्या कैट ले लेंगे, ये हुआ सम कैट्स आर नॉट रेड्स, आप ये जो सम कैट्स आर नॉट रेड्स आप ऐसे डायग्राम कंसिडर कर सकते हैं, और सम डॉग्स आर कैट्स ऐसे आप अगर डायग्राम कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ ऑल डॉग्स, सॉरी यहाँ पे डॉग है, ऑल डॉग्स बींग रेड्स इज ए पॉसिबिलिटी, ये आपका सही आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया रहेगा ऑल रेड्स बींग डॉग्स इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही है, यहाँ पे ऑल रेड्स बींग डॉग्स इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी आपका सही होगा, ऑल डॉग्स बींग सॉरी ऑल रेड्स बींग डॉग्स इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी आपका सही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल टू। अगर सेकेंड एग्जाम्पल दिया जाए, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ऑल रिंग्स आर स्टोन्स, ऑल रिंग्स आर स्टोन्स, ऐसे मैं कंसीडर कर सकता हूँ। उसके बाद सम स्टोन्स आर नॉट पर्ल्स, सम स्टोन्स आर नॉट पर्ल्स, मतलब कुछ स्टोन्स ऐसा रहेगा जो कि पर्ल्स नहीं रहे, ऐसे हो सकता है डायग्राम, या फिर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं दूसरा करता हूँ, ऐसे आप सम यहाँ पे सम ऑल रिंग्स आर स्टोन्स, ऑल रिंग्स आर स्टोन्स आप ले सकते हैं, उसके बाद सम स्टोन्स आर नॉट पर्ल्स, ऐसे भी आप ले सकते हैं, और या फिर ऐसे भी ले सकते हैं सम ऑल रिंग्स आर स्टोन्स, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या ले, सम स्टोन्स आर नॉट पर्ल्स, सम स्टोन्स आर नॉट पर्ल्स, ऐसे भी ले सकते हैं। ये जो ऊपर बाहर वाला जो बाहर है, ये वाला पार्ट आपका पर्ल नहीं आएगा, ठीक है। वैसे सम स्टोन्स आर रिंग्स, अगर ये मुझे देखना है सम स्टोन्स आर रिंग्स, यहाँ पे होता है क्या? अगर ये देखा जाए सम यहाँ पे दिया ऑल रिंग्स आर स्टोन्स, तो ऑब्वियसली सम स्टोन्स आर रिंग्स आएगा ही आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आएगा, यहाँ पे भी देखेंगे तो आएगा, तो ये वाला पहला सही है। यहाँ पे अगर जो दिया नो रिंग बींग इज ए बींग पर्ल इज ए पॉसिबिलिटी, नो रिंग बींग पर्ल इज ए पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया था ऑल रिंग्स आर स्टोन्स, तो ऑल रिंग्स आर स्टोन्स, ठीक है, यहाँ पे अभी दिया हुआ है, उसके बाद सम स्टोन्स आर नॉट पर्ल्स, ये तो ऐसे में रख सकता हूँ सम स्टोन्स आर नॉट पर्ल्स। अगर ये वाला पार्ट में देखूँ तो नो रिंग बींग पर्ल, यहाँ पे रिंग है यहाँ पे पर्ल है, इज ए पॉसिबिलिटी होता है कि नहीं, यहाँ पे एक बार अगर साबित हो गया सही है, मतलब ये वाला भी सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोथ वन एंड टू आर ट्रू, क्लियर। ओके, अब चलते हैं और दो क्वेश्चंस के लिए, उसके बाद ये आज का सेशन यही मैं खत्म करूंगा, आज बहुत ही छोटा वाला सेशन लाया हूं ताकि आप इजीली समझ पाए। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री या फिर एग्जांपल नंबर थ्री में, ऑल चेयर्स आर डेस्क, ऑल चेयर्स आर डेस्क, मैं इसे कंसीडर कर सकता हूं, क्लियर। उसके बाद सम चेयर्स आर नॉट टेबल्स, सम चेयर्स आर नॉट टेबल्स, आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, या फिर चेयर ये हुआ डेस्क, आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ये टेबल, ये टेबल, या फिर आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं चेयर ये हुआ डेस्क ये हुआ आप टेबल, ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इसको ये करके आप ले भी सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या हुआ, सम टेबल्स बींग डेस्क इज ए पॉसिबिलिटी, सम टेबल्स बींग डेस्क, यहाँ पे सम टेबल्स बींग डेस्क यहाँ पे होता है कि नहीं, अगर एक बार होता है तो ये वाला सही है, सम टेबल अगर ऐसे अलग रखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक बार होता है मतलब एक बार सही है, मतलब सही है, पॉसिबिलिटी का मतलब यही है कि हमें चेक करना है, कहीं पे भी एक बार आने का चांसेस है तो वो सही है, आपको ये कंसीडर करना है। दूसरा, ऑल डेस्क बींग टेबल्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डेस्क बींग टेबल्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये होने का चांसेस है क्या? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम चेयर्स आर नॉट टेबल्स, ऐसा कुछ चेयर लेना होगा जो कि सारे का टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये ले लेते हैं ऑल डेस्क बींग टेबल्स, अगर मान लीजिए सारा का सारा चेयर अभी टेबल है, ठीक है, अगर सॉरी सारा का सारा चेयर अभी डेस्क है, अब अगर सारा का सारा डेस्क को आप क्या करेंगे टेबल के अंदर ले लेंगे,
तो क्या होगा, सारा का सारा चेयर भी आपका टेबल के अंदर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं यहाँ पे दिया था, सम चेयर्स आर नॉट टेबल्स ये दिया था, इसीलिए आपको क्या होगा ये आप कंसीडर नहीं कर सकते। तो ऑल डेस्क बींग टेबल्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या होगा डायरेक्टली यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम में, तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फाइनली ये वाला भी आप थोड़ा ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वन, ये अभी कंक्लूजन साइड में जो पूछा है वो देखेंगे हम। नो हॉलीडे इज ए वेकेशन, नो हॉलीडे इज ए वेकेशन, हॉलीडे यहाँ पे है, मैं वेकेशन यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद सम वेकेशन सर ट्रिप्स, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, और आप अगर ऐसे करेंगे हॉलीडे यहाँ पे है, ठीक है, वेकेशन यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे आप ट्रिप ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट कर करके भी ले सकते हैं, सम हॉलीडेज आर से नो हॉलीडेज वेकेशन, उसके बाद सम वेकेशन सर ट्रिप्स, ऐसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद नो ट्रिप इज अ हॉलीडे, डायरेक्टली यहाँ पे दिया नो ट्रिप इज हॉलीडे, यहाँ पे तो सही है लेकिन यहाँ पे गलत हो जाता है, तो ये वाला पहले एक बार गलत हुआ है, मतलब गलत क्योंकि ये डेफिनेटली आपका दिया हुआ है। उसके बाद सम ट्रिप्स आर डेफिनेटली नॉट हॉलीडेज, सम ट्रिप्स आर डेफिनेटली नॉट हॉलीडेज, ये आपका सही होगा या फिर गलत होगा, ऑब्वियसली आपका सही होगा क्योंकि ये जो सम ट्रिप्स, ये वाला ट्रिप वाला पार्ट किसके अंदर है, वेकेशन के अंदर है, और वेकेशन के जो अंदर जो भी आएगा वो एच के साथ हॉलीडे के साथ रिलेशन नहीं रख पाएगा, इसीलिए सम ट्रिप्स आर डेफिनेटली नॉट हॉलीडेज, ये सही है। अगर मान लीजिए ये पूछता दैट सम हॉलीडेज आर डेफिनेटली नॉट ट्रिप्स, सम हॉलीडेज आर डेफिनेटली नॉट ट्रिप्स, अगर ये आपको क्वेश्चन पूछता तो ये क्या होगा, ये क्या होता, गलत होता। दैट मतलब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो ऑल हॉलीडेज आर ट्रिप्स हो जाता है, तो ये यहाँ पे क्या होता, सम हॉलीडेज आर डेफिनेटली नॉट ट्रिप्स, गलत हो जाता है ये वाला पार्ट में, ठीक है। तो ये था आज के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, वेन डायग्राम कैसे बनाना है और कॉन्सेप्ट क्या है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगले सेशन में फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा सिलोजिम्स के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।